हेलो पुलिस स्टेशन। ए हटो सामने से। हैं? यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं, गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का करैक्टर है मुन्ना? जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहां जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन? फैशन। अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? चुप। शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तू मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के हजार टुकड़े हों। तेरे सर के हजार टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। चुप। हे सुंदरी, कहाँ है हमारे प्रभु? हम है यम। ये कैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रभु? मॉडर्न स्टाइल। आए, आप अंग्रेजी भी सीख गए? चित्रगुप्त, इस बालिका के साथ रहकर हमने ए बी सी डी सब सीख डाली। वाह प्रभु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। लीव दैट चित्रगुप्त एंड टेल मी वेयर इज माई फ्यूचर बुक। Where is my future book? वो सब समझ गया प्रभु, भविष्यवाणी ना? Yes. सारा नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। इस चक्कर में एक पागल पुलिस वाला मिल गया था, उसने अलग मेरी जान खा ली प्रभु। तू ऐसा क्यों नहीं करते कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं और वो लोग पुस्तक को ऐसे ढूंढ निकालेंगे? सही कहा तुमने, डू लाइक दैट। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण है। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज। वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या घुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो गो गो। ये आपने क्या कर दिया? सारे आभूषण उसको दे दिए, कुछ चुरा के ले गया तो? डोंट फियर, चित्रगुप्त और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ, लपेटे जाओ। साहब मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया, ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में मीटिंग? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? असमत, शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है।
वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूट केस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजू बंद कड़े कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके ओके आई सी ओके यू सी लेट अस सी। ये क्या, इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद कड़े कुंडल और नव रत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? ओ शट अप। हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया चलो वनीला आइसक्रीम ले। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए, देखिए वो आ रहे, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीदूंगी। देखिए वो आ रहे, बचाइए। ए छोकरे इधर आ। हे मानो, ये दुष्टता किस लिए? जाओ घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है? तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा है? देख लो। यम है हम। ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया। एक ही मारा और ये हाल हो गया। तू हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया? अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया। उस गदा के सामने अपनी आंखें चकनाचूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा तो अपने गैंग का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। अब ये गदा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। ए, आज से हॉकी बन और गदा शुरू। बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गदा क्या है, कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, चैन बैग की छोकरियाँ आ रही है।
चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहब? कौनो गलत खबर दिया है साहब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो हेलो, तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गदा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके, बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है ना बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया इको? ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत? शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप। ये सब कहाँ गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग आप जीप इधर। अरे जीप बाद में, पहले भाग। हट जाओ पीछे। अरे श्रीमान जी, ओहो ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो छोटा रावण? राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया और सवर्णा पैलेस भी डिसाइड किया। उस दिन तुम 1000 रुपया देने का वादा करके चले गए। मैं तुम्हारे इंतजार में रात भर वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा और सर्दी बुखार से बिस्तर पकड़ बैठा। पर ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मेरी छत से मेरे ऊपर एक बस बस, इनकी तकदीर खुल गई और ये बन गए तकदीर वाला। आज से मैं अपने मुकद्दर का मालिक हूँ, मुझे मेरी किस्मत मिल गई। पांडो ये ले 1,00,000 रुपए, मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके गुरु। अबे हम जाग रहा हूँ या सपने में कोई फिल्म देख रहा हूँ? खाली चाय पीने के लिए वो हमको 1,00,000 रुपया डिसाइड किया? मतलब ये कि वो रुपयों की लंका में रहता है।